15 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप दिल्ली की हालत देख रहे हैं क्या हो गई है, कितना जबरदस्त डेवलपमेंट इस दिल्ली के अंदर कभी आपने उम्मीद करी थी? फिर भी समझ नहीं आता इतना डेवलपमेंट, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं, कोई नेता जेल नहीं गया, कांग्रेस एकदम अलग थलग क्यों दिखाई दे रही है, कहीं नजर ही नहीं आ रही। नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, आपके यहाँ से अब शर्मिष्ठा को वो कह रहे हैं हवाई कैंडिडेट उतार दिया है, कसाना साहब भी कोई चमत्कार नहीं कर पाए, पहले जीतू साहब आए थे उससे ही बुरी हालत हुई उनकी। शर्मिष्ठा मुखर्जी को यदि आप इंटरव्यू करें और आप उनको देखें, भारत के राष्ट्रपति की सुपुत्री हैं और उनका मिजान देखिए, बाकी के ग्रेड क्या कम थे? ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कैंडिडेट्स की क्वालिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ताना साहब और जितेंद्र कोचर से वो हायर कैटेगरी की हैं, यानी कि ये आप कह रहे हैं ग्रेड? ये कहना नहीं है, आप मेरे मिस्ट्रू नहीं करें मेरे स्टेटमेंट को। मेरा कहने का मतलब ये है, पॉलिटिकल पार्टी बड़ी जजमेंट लेती है कैंडिडेट्स को खड़ा करने के अंदर। इस बार बहुत अच्छी बात है कि एक साफ सुथरा वेरी नाइस क्लीन फेस। यूएसपी क्या है पार्टी के लिए, वो सक्रिय नहीं रही, सिर्फ राष्ट्रपति की बेटी है, उनकी यूएसपी यही है। जो आदमी पब्लिक के बीच में मेरा रहने रहे, बार बार ये की कहना है कि जो भी कैंडिडेट इस इलाके में रहेगा पब्लिक से जुड़ता है। भारद्वाज भी जीके में रहते हैं, आपके अजय मल्होत्रा भी जीके में रहते हैं, अलग थुंडा रहते हैं किसी भी। मल्होत्रा साहब जीके टू में नहीं रहते तो है उनका वोटर नहीं, ये वोट घर हो सकता है लेकिन रहने के सवाल है। अच्छा, आप बीजेपी बताइए कि जनता की समस्याएं आपने बता दी, उपाय बता दीजिए, क्या उनका हल है आपके पास? देखिए 60 वर्षों में जो कांग्रेस का कुशासन हुआ, ये एंक्रोचमेंट की बात की, अगर हमारे जो गरीब भाई हैं वो सड़क पर क्यों एंक्रोचमेंट करेंगे अगर उनके पास रोजगार? एंक्रोचमेंट तो एमसीडी की शह पर ही होता है, वहां पर आप बीजेपी, अगर ये इनकी कांग्रेस की गलत नीतियां ना होती, सबको रोजगार देते तो किसी को शौक नहीं है सड़क के ऊपर बैठकर अपनी जान खतरे में डाले। हमने स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है, जब वो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम होगा तो ये एंक्रोचमेंट अपने आप बढ़ जाएगी, उनको रोजगार मिलेगा, ये बहुत बड़ी एक समस्या हल होने जा रही है। अभी एमसीडी ठीक काम कर रही है, एमसीडी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। एमसीडी ने आप देखिए, आप स्वच्छता के ऊपर ले लीजिए, हमारी साउथ एमसीडी है वो पहले 2700 टन कूड़ा क्यों पड़ी स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता अभियान की, ये तो एक पार्टिसिपेशन है। अगर हम सब लोग मिलकर साफ करने की जिम्मेदारी जिसकी है एमसीडी की, वो कहीं ना कहीं नाकाम थी, तभी तो स्वच्छता अभियान की जरूरत पड़ी ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 साल तक चेयरमैन रहा डैम्स का, पूरी दिल्ली का, वहाँ पर 18,000 कर्मचारी हमारी वैकेंसी है, हमारे को परमिशन नहीं दी शीला दीक्षित जी ने, अगर हमारे पास साधन ही नहीं होंगे। अब आप देखिए, इन्होंने हमारे से 60 फुट सड़कें सफाई के लिए वापस ले ली थी, फिर उन्होंने 1.5 साल बाद वापस दी हमारे को। अगर एमसीडी काम नहीं करती तो काम कौन करता है? सबसे ज्यादा अगर दिल्ली के अंदर कोई एजेंसी काम करती है तो उसका नाम है एमसीडी, वो काम करती है। काम नहीं करने देती तो वह है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार अगर साधन देगी, पैसे हमारे को देगी, एमसीडी टैक्स भी तो लेती है। नहीं, टैक्स लेती है, टैक्स इतना थोड़ी लेती है कि सारा काम सारे हो जाएंगे। 18,000 जो सेंक्शन होती है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। अगर हमने एक चपरासी भी भर्ती करना है तो सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती होगा, एमसीडी डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं कर सकती। एमसीडी ने जितने काम किए हैं पिछले 8 सालों में और लगातार हमारे को दिल्ली की जनता का कहना है कि अलग अलग निकायों में अगर सेम पार्टी रहे तो काम अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल, अगर एक ऊपर से सिक्वेंस रहेगा, केंद्र में हमारी सरकार है, कॉरपोरेशन में हमारी सरकार है, फिर हम बहाना भी नहीं कर सकते। अगर दिल्ली में दिल्ली की जनता हमारे को आशीर्वाद देगी, 9 महीने से केंद्र में सरकार है, स्टेट में इनडायरेक्ट तौर पे है, एमसीडी बीजेपी की है, तब भी क्या 9 महीने में राम राज्य आ गया? आप कितने काम हुए हैं, पिछली बार शीला दीक्षित ने एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। और जैसे सौरभ जी ने कहा कि हम ये काम करेंगे ये काम करेंगे, सौरभ जी की जो पार्टी है केजरीवाल साहब यहाँ छोड़कर भाग गए यहाँ पर, और वो पीएम बनने के लिए भागे, अब जो सीएम की गद्दी नहीं संभाल सकते, उन्होंने कहा जी मैं जनता दरबार लगाऊंगा। जनता दरबार क्या लगाएंगे? बात एमसीडी की, मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं इनको दावा करता हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ, इनको और इनकी पूरी लीडरशिप को चैलेंज करता हूँ कि ये चुनाव एमसीडी के काम के आधार पे लड़ लें दिल्ली के अंदर। एमसीडी दिल्ली के अंदर कैंसर है। काउंसलर्स को टिकट दे दें? नहीं नहीं नहीं, कहें कि जैसा एमसीडी का राज वैसा ही हम करेंगे दिल्ली में राज, एक बार हमें मौका दो, हमने एमसीडी में इतना अच्छा काम करके दिखाया है, हमें एक बार मौका दो और देखो कि दुनिया इनके अंदर क्या धुएं उड़ाता हूं तुरंत। क्या देखिए, बीजेपी काम करती है मुद्दों पे। आपने एमसीडी की तारीफ की, बता रहा हूं एमसीडी के बारे में, अगर कहीं पे सीवर की लाइन डालनी है तो कौंसल नहीं डालने दे रहा, पानी की लाइन डल रही है तो कौंसल। सीधा जवाब दीजिए आप, ऐसा प्रश्न सीधा बताइए, जितने एमसीडी ने काम किए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं एमसीडी के कामों पर और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के दिशा निर्देश पर हम चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में जीतेंगे हम। चलिए उन्होंने मान लिया। अच्छा, मुझे आपको फिर ये सुझाव देता हूं कि कम से कम इस विधान क्षेत्र में, ठीक है, आप ये बोर्ड लगाइए एमसीडी के काम पर, मोदी जी के, हाँ आप एक हफ्ते का काम आसान कर, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज के पैसे भी मैं आपको अधिकृत रूप से बता रहा हूँ, इस चीज की फंडिंग भी मैं करूंगा, ये कृपया करके एक हफ्ते बाद दोबारा आइए,
ये लाइन लिखे एमसीडी के काम पर, मोदी जी के नाम पर वोट दो कमल पर। एक बार ये दे, पैसे देने का वादा मैं आपको कर रहा हूँ, अधिकृत रूप से कर रहा हूँ। पूरी दिल्ली में कहेंगे तो पूरी दिल्ली में भी पैसे इसके लिए हम दे देंगे इनको, ये वादा करें इस चीज का। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे सबसे लोगों से पूछूंगा, जनता आपको, मैं आऊंगा हमारे को पैसों की जरूरत नहीं है, हम पैसे हम फोर्ट फाउंडेशन से, अरब कंट्रीज से, बाहर से पैसे नहीं लेते। हम 20,000 रुपए की चाय नहीं बेचते, 20,000 रुपए की कॉफी नहीं बेचते। हम लोग ये पैसे देंगे, पैसे अपने रखे संभाल के। एक तरफ तो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं चुनाव लड़ने के लिए, एक तरफ पूरी दिल्ली में सैकड़ों करोड़ रुपए के इनके होर्डिंग लगे हुए हैं, तो इनका ये झूठ देख लीजिए। एक आखिरी बता दीजिए बात की, जीके की जनता आम आदमी पार्टी को, झाड़ू के निशान को और सौरभ भारद्वाज को वोट क्यों? एमसीडी का राज जनता ने पिछले 7 साल से देखा है, भाजपा का है। ग्रेटर कैलाश में 4 में से 3 काउंसलर भाजपा के हैं। जहां तक पैसों और फंड की बात है, मैं आपको ये अधिकृत रूप से दोबारा बता रहा हूं, मैंने अपने एमएलए फंड से भी जो पैसे दिए हैं, अब तक इन्होंने 1 रुपए का काम भी एमसीडी ने सड़क पे नहीं किया है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? सिर्फ इस कारण कि क्योंकि अगर वो काम होगा तो एमएलए का नाम हो जाएगा, इसलिए ये लोगों की सड़कें नहीं बना रहे। एमसीडी सिर्फ बीजेपी के दबाव में सड़कें नहीं बना रही है गांव के अंदर, कॉलोनियों के अंदर। पैसा इनको हमने दिया है, अपने फंड से दिया है, फिर भी नहीं कर रहे काम। पैसे की बात नहीं है, नीयत खराब है इनकी। आप बताइए आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे? इट्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस सर, और कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी है, मोदी है, एकदम मोदी जी बहुत बड़े नेता है। आप उनके यू-टर्न देखिए ना पिछले 6 महीने में सर, उन्होंने कहा ब्लैक मनी ले आएंगे, 100 दिन में तो मुझको फांसी। कांग्रेस प्रचारित कर रही है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा था इंडिविजुअल, मैंने खुद सुना है उनको टीवी बोलते हुए, 100 दिन में अगर काला धन वापस नहीं आएगा मुझे फांसी में चढ़ा देना। ये बीजेपी वाले 200 दिन हो गए क्यों नहीं कुछ बोलते? एसआईटी बना दी, छोड़ दिया इसको, चलिए छोड़िए। हैंडरसन रिपोर्ट को इन्होंने डिस्क्लोज करने के लिए कहा था बहुत जोर शोर से, इन्होंने ये भी कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिसअपीयरेंस का क्यों पूरा हम डिस्क्लोज करेंगे। विद इन 3 मंथ्स दे बैक डाउन कि हम नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम है। तो इफ दे कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, अगर ये करते ही रहे तो इनको वोट देकर क्या होगा? और मैं छोटा सा एक बात बताता हूँ, भारत साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, विजय कुमार मल्होत्रा जी बहुत बड़े नेता है, मैं यहीं पर रहता हूँ पिछले 30 साल से, उनको मैंने 5 साल में 5 बार भी नहीं देखा हमारी लोकेलिटी में। हम उनके 2013 में आ गया ना, और भी आएगा, आगे आगे ऐसे ही आता जाएगा। लोग बहुत परेशान है बहुत, बिकॉज दे हैव सीन दिस फिक्स पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस से बात कर लेता हूँ, बुरा मान जाते हैं मीडिया पे, बोलते हैं कि कांग्रेस को दिखाते नहीं है। जनाब कांग्रेस को वोट क्यों दे? देखिए सवाल मैं कहता हूँ, कांग्रेस एक साथ को नहीं दिखाया है, दिखाया सिंगल है ना। सबसे बड़ा इशू जो है ना, जैसा अभी सौरभ जी ने कहा, मैं एक चीज कमिट करता हूँ कि एमसीडी का जो काम है वो इनका काम न केवल सड़क के ऊपर बल्कि पब्लिक के अंदर वो विजिबल है कि कितना जबरदस्त इन्होंने काम किया है। जो जो काम दिल्ली गवर्नमेंट का या पीडब्ल्यूडी की रोड का 60 फुट की रोड जो हुई है, आप ही देखिए उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क। और जो एमसीडी का काम है, कांग्रेस को वोट क्यों दे? बुराइयां हो गई। मैं सबसे बड़ी चीज ये कहता हूं कि एक ईमानदार, डेडिकेटेड और झटका खाए हुए लोगों को वोट जरूर मिलना चाहिए। जमीन पे आ गए आसमानी नेता, बिल्कुल मैं इस बात को, आसमानी नहीं, जमीन से जुड़े हुए लोग फिर जमीन पे आ गए और जमीन के लिए लोगों के लिए ही काम करें, इसलिए वोट दे। कांग्रेस को वोट जरूर जाना चाहिए। क्यों? ये कांग्रेस, वैसे तो मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा हाथी है, सिर्फ सांस लेने के लिए रुका है या बैठा है, ये द्वारा उछल के ऊपर आएगा और जनता की सेवा करेगा। 5-10 साल सांस लेगा? बिल्कुल लेने दो, चाहे 2 साल लो या 5 साल लो या 3 साल ले, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन सांस लेके थोड़ा शरीर वजनी है, जरा उठ जाएगा आराम से, द्वारा उठेगा ये, और जाएगा जरूर उठेगा। कौन उठाएगा? पब्लिक उठाएगी उसको, और पब्लिक उठाएगा। नेता भी तो देखती है, सब देखते हैं। आप देखिए, आप जो बताइए अपना दिल्ली में किस चीज का नेता, सारे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं। इनके पास केजरीवाल है, इनके पास मोदी है, आपके पास क्या? देखो जी, हमारे जो डीपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं अरविंदर सिंह लवली साहब हैं, उनको वोट दें। बिल्कुल उनके नाम से दें, पब्लिक जरूर दें। गांधीनगर में ही सिमट गए लेकिन थोड़ा सा। अच्छा, बीजेपी को जनता, जीके की जनता वोट क्यों? काम के नाम पर दे, सुशासन के नाम पर दे, झूठे वायदे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे जैसे कांग्रेस ने कहा, जैसे आम आदमी ने कहा, अब इनको हाथी की जरूरत है। आपसे ही बात कर लेता हूँ, बीजेपी को वोट? देखिए, बीजेपी को इसलिए दें कि बीजेपी ने जितना विकास हमारे चिरादरी में किया है, 80% से 90% काम जो है मल्होत्रा जी के और राकेश गुलिया के माध्यम से हुआ। मैं प्रजापति मोहल्ले में रहता हूँ, सबसे पहले 10 साल थी हमारी चौपाल जो है जनता ने हरा दिया। अच्छा, बीजेपी को वोट? देश के विकास, सबका विकास, मोदी के साथ, ये एक
अच्छा नारा नहीं, ये व्यवहारिक नारा है जिसको मोदी जी ने पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से ख्याति प्राप्त की है, दिल्ली के अंदर भी सुशासन। आप कहते हैं मोदी के नाम पर एमसीडी के नाम पर वोट दे मांगेंगे जैसे वो कह रहे हैं? एमसीडी के नाम पर मैं वोट नहीं मांगने की बात कर रहा हूँ। इस समय देश को विकास चाहिए, दिल्ली को विकास चाहिए, और वो केवल एंड केवल मोदी का नेतृत्व ही, मोदी की सरकार ही दिल्ली में बनेगी तो हो पाएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें कहीं अपने फोटो अटेस्ट कराने होते हैं या गली में पानी की समस्या, सीवर की समस्या, तो मोदी का कोई डायरेक्ट नंबर है? मोदी जी का डायरेक्ट, मोदी जी ने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, सेल्फ अटेस्टेशन इज अ सर्टिफाइड कॉपी बाय द पर्सन हु आर गोइंग टू सर्टिफाइड बाय द एमएलए एंड काउंसलर इज नॉट। रणनीति है सभी उम्मीदवारों के ऊपर मोदी का चेहरा चस्पा दें? नहीं, मोदी जी का चेहरा इस समय विकास का चेहरा है, मोदी जी का चेहरा इस समय देश का चेहरा है, अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, और दिल्ली में अगर यह चेहरा मिलता है, और हमें विश्वास है आने वाली दिल्ली की जनता मोदी के नाम पर भाजपा के साथ उठकर कमल के पर अपना बटन दबाएगी और सरकार मोदी जी की ही दिल्ली में बनने जा रही है और विकास की लहर चलेगी, ये आपको तय मानिए, जनता ने तय कर रखा है। चलिए, अब तीनों मुख्य पार्टियों के आपने बातें सुन ली हैं। एक कहते हैं महाभारत में एक संजय की तरह हमारा किरदार होता है, क्या कुछ दावे कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है उसके ऊपर बातचीत की है, फैसला जनता को करना है, वोट की चोट उनके पास है, दोबारा मौका मिला है, अगर कुछ गलती हुई है उसको सुधार लें और अगर कमतर रह गई थी सीटें तो उसको और बढ़ा दें, जो आम आदमी पार्टी प्रचारित कर रही है। टोटल टीवी का एक खास कार्यक्रम असेंबली एक्सप्रेस दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं से आगे भी जारी रहेगा। इस खास पेशकश के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन विद्या के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़।